आपने बात की कि आप जो कल्टीवेटेड एरिया है वो बढ़ेगा, सत्तर से लेकर तकरीबन एक करोड़ एकड़ तक जो जमीन है वो आप कह लें कि वो कल्टीवेट ही नहीं होती, तो उसको जेरे काश लाने के लिए क्या इकदाम कर रही है आपकी गवर्नमेंट? बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं बड़ा आपके चैनल के जरिए एक मैसेज भी देता हूँ। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा मेरा पैगाम जाना चाहिए कि हमारी जो बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं, जो ऐसे बरान पड़ी हुई है, वरान जमीनें पड़ी जो अंडर कल्टिवेशन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी का मसला बना हुआ है ना जी, उसको खत्म करने के लिए आप वही एग्रीकल्चर लैंड पीसेस में इन स्टूडेंट्स को दें, उन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को दें, वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको दें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ दो चीजें होती हैं। सबसे बड़ा मसला होता है उसको बात करने के लिए कि आपके पास वसाइल होने चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने अपने एनर्जी क्राइसिस को भी दूर करने के लिए सोलर की सब्सिडी भी दी है, सोलर को भी प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए भी 50,000 दे रहे हैं, सब्सिडाइज करने हैं और वो हमारी एनर्जी जो है उसकी बचत होगी, तेल की भी बचत होगी। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो हमारा सेक्टर पड़ा हुआ ना कि बिरान, उसको जरूरी नहीं कि हमने वहां जाकर राइस ही उगाने हैं, वहां पानी की कमी है तो वहां हमने अगर वो जैतून वाला एरिया था हम वहां जाकर जैतून काश कर सकते हैं, अगर वो वहां भी फीड ऐसे नहीं है तो हम वहां जाके लाइफ स्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, हम वहां शीप्स जो है वो कर सकते हैं। दुनिया में ये जरूरी नहीं होता कि हमने तो क्या किया है, हमने हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड जो सबसे फर्टाइल होती है वो हमने हाउसिंग कॉलोनी में तबाह कर दी अपनी, और इसके लिए भी एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए और होनी इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए कि जो जो फर्टाइल एरिया है, जो न्यायी का एरिया होता है, हर देहात में बेतुकी लोगों ने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी, वो हमारी एक अच्छी जो जमीन है उसको हमने खत्म कर दी है, इसको भी बैन करना चाहिए, और जो हमारी बैरन लैंड्स हैं, जो ब्राउन लैंड्स पड़ी हुई हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जरी कर्जाजात हर कमर्शियल बैंक जो है वो पाबंद हो कि उनको बात करने के लिए 10-10 साल के लिए वो जमीनें गवर्नमेंट लीज पे दे दे, ताकि वो सारा एरिया अंडर कल्टीवेशन आ जाए।